दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ DNN में। एक ऐसी प्रस्तुति जो हम आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है सहज योगा अ स्टोरी अनटोल्ड। दर्शकों आप सभी जानते हैं कि सहज योग आज 140 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। शुरुआत करी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने। 1970 से एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसकी दास्तां अगर हम शुरू करें तो शायद आने वाले कई युगों तक वो चलती रहेगी। कोई और छोर नहीं है, कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला, वो धरोहर जो श्रीमाता जी पूरी दुनिया को दे करके गईं। और सबसे सुंदर बात ये रही कि उस धरोहर का कोई एक वारिस नहीं है, पूरी दुनिया ही उसकी वारिस है। वो विरासत जो आज फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बीच में श्रीमाता जी का वो जीवन का पहलू, वो जीवन का हिस्सा हम आज आपके साथ बांटने जा रहे हैं। हम आज से शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ वो सारी कही अनकही, सुनी अनसुनी बातों को जो श्रीमाता जी ने अपने जीवन काल में कैमरे के सामने नहीं कहीं या कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं रही। इसके लिए हमने अपना सौभाग्य माना है कि आज हमारे साथ साधना दीदी बैठी हैं, जिनको कि साधना वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमाता जी की छोटी सुपुत्री। साधना दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ DNN में। दर्शकों हम आपके साथ थोड़ा सा सहज योग का विवरण आपके साथ बांट लेते हैं। परम पूज्य श्रीमाता जी ने 1970 में ये यात्रा शुरू करी थी, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसमें किसी भी तरीके से कोई किसी का चयन नहीं करा गया। एक प्राकृतिक स्वरूप, जैसे हवा चल रही होती है, जो उसको लेना चाहे ले सकता है, जल बह रहा है, सारी प्राकृतिक चीज़ों की तरह, सारी सुंदर चीज़ों की तरह जो परमात्मा की बनाई हुई हैं, उसी प्रकार सहज योग भी एक परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की तरह आगे बढ़ा। श्रीमाता जी ने इसको बांटने में, इसको आगे देने में सिर्फ एक चीज़ देखी कि इंसान जो इंसानियत को पाना चाहता है वो इसका हिस्सा हो सकता है। ना जाति रही, ना धर्म रहा, और उससे भी बड़ी जो देश की सीमाएं इंसान ने बना ली थी वो भी कहीं ना कहीं श्रीमाता जी ने तोड़ दी। एक ऐसा रास्ता बढ़ा जिसने इन सारी चीज़ों को बहुत छोटा कर दिया। क्या जाति, क्या धर्म, क्या मज़हब, क्या देश, सब कुछ ख़त्म होता चला गया, एक में मिलता चला गया, उस एक में जिससे सारा जग उपजा है। आज हम साधना दीदी के साथ जो बातें आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि श्रीमाता जी को लोगों ने एक आध्यात्मिक माँ के रूप में पहचाना, गुरु के रूप में पहचाना, उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करा, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा था जो लोगों ने नहीं जाना। हम इस माध्यम से आपके साथ वो सब कुछ आपके लिए खोजेंगे और हम भी जानेंगे कि श्रीमाता जी का व्यक्तित्व क्या ऐसा चमत्कारिक था कि पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई, जबकि न तो पैसे का लेन देन था, न ताकत थी, न सत्ता थी, फिर भी जो एक बार श्रीमाता जी का हो गया वो पीछे मुड़ करके देख ही नहीं पाया। साधना दीदी आप सौभाग्यशाली हैं और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे दर्शक आज आपसे रूबरू होने जा रहे हैं कि आपने वो ज़िंदगी के सारे पहलू देखे। एक श्रीमाता जी का स्वरूप कि वो आध्यात्मिक माँ थी, पूरी दुनिया की माँ थी, और एक सौभाग्य की आपने एक फिजिकल फॉर्म में उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि एक फिजिकल फॉर्म में एक मदर की तरह 1970 से सहयोग शुरू हुआ, तब तक उनके बड़े सारे दायित्व थे,
एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, और हम दर्शकों को बताना भी चाहते हैं कि श्री माता जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी, इस देश के लड़ाई में वो भी संघर्ष श्री माता जी ने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी करा। इतने सारे व्यक्तित्व, इतने सारे आयामों को निकाल करके, साथ में ले करके श्री माता जी कैसे चलते थे? बहुत ये उनकी खासियत थी कि तो एक व्यक्ति नहीं थी, अनेक अनेक रूप थे उनके, और उनकी एनर्जी लेवल जो थी वो हर उस पहलू जिसमें वो फ़िलहाल होती थी वो ज़बरदस्त होती थी। बहुत ही इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट के साथ वो हर एक छोटा से छोटा काम, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो और कोई उससे भी बड़ा काम हो, कोई भी किसी प्रकार किसी भी मैग्नीट्यूड का काम हो, तो वो उसी एनर्जी और फुल एंगेजमेंट के साथ करती थी। उसमें कोई भी, इसको कहते हैं सोच विचार, हेजिटेशन, अपना कहते हैं गिविंग हर 10। माँ का ये स्पेशलिटी थी कि वो किसी चीज़ को हाफ मेजर में नहीं करती थी, इट वाज ऑलवेज कंप्लीट डेडिकेशन एंड सिंसेरिटी। और बाद में तो ये दुनिया भर में फैल गई ये बात, लेकिन घर में भी उसी तरह एक आई वुड से माइक्रोकॉज्म घर हम लोगों का हुआ। अगर माइक्रोकॉज्म आप विश्व को लीजिए, सहयोग को लीजिए, तो माइक्रोकॉज्म घर हुआ। तो वो उसी तरह की उदारता, उसी तरह की एनर्जी वो एक छोटे से परिवार में भी लाती थी, और इस उसका असर हम लोग तो अब तो ही बहने थे, लेकिन हमारे घर में बहुत लोग आते जाते थे, और रिश्तेदार, मेहमान, मेरे फादर के जितने एसोसिएट्स थे, सब कोई जो भी उनके साथ एसोसिएटेड रहा वो उनकी एनर्जी को महसूस करता था। ये इंसानी एक जिज्ञासा होती है कि जो ऐसी हस्तियां होती हैं जो अवतरण लेती हैं, जो इस पृथ्वी पर आती हैं, उनको जितना हम देख पाते हैं वो तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कौतूहलवश हमारे अंदर होता है कि हम और कुछ जानें। और शायद वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि वो बहुत कुछ हमें सिखा जाता है, क्योंकि वो कुछ घंटों का इंटरेक्शन होता है जब वो समाज में उतरती हैं, और शख्सियत ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत जब आती है तो वो लोगों को बताती है जीवन जीना कैसे है, धर्म कैसे है, उसका निर्वहन कैसे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक पहलू ऐसे भी होते हैं कि वो खुद उस परिवेश में एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह, एक पत्नी की तरह, क्योंकि जब आप कहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत हैं जिसको पूरी दुनिया ने परमात्मा माना, पूरी दुनिया जानती है कि श्री माता जी को लोग परमात्मा की तरह आज पूछते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा उस परिवार में रहना, उनकी मर्यादाओं को निभाना और सारी चीज़ों को समानांतर लेकर के चलना। कुछ ऐसे वाक्य अगर आप, फिर जब आदमी परमात्मा की बात करता है तो उसका हम लोग डेफिनेशन तो कर नहीं सकते जी, कि किस लिमिट पे है और किस लिमिट पे नहीं है। तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। परमात्मा के लिए, एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल बातें हो जाती हैं रोज़ाना लाइफ में, ये जो परमात्मा है उसको क्या मुश्किल है। लेकिन वो बिल्कुल ही साधारण लाइफ लीड करती थी। मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, आईएएस ऑफिसर थे, हम लोगों की रिसोर्सेज जो एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर की होती वही थी, और उसी में वो अपना सब कुछ करती थी, गृहस्थी चलाती थी। वो बहुत सुंदर थी देखने में, लेकिन उनके जो कहते हैं ना लग्जरीज जो थी उनके पास आती नहीं थी, तो उसी में जितना कुछ था उसी में वो अपने को बहुत अच्छे से खुद प्रेजेंटेबल रहती थी, और हम लोगों की भी देखभाल करती थी, और हम लोगों को कमी कभी किसी चीज़ की महसूस नहीं। ज़रूर उन आई वुड से अगर कोई कहे कि खासियत क्या, खासियत ये कहे कि सेंस ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त था एट द डीपेस्ट लेवल, छोटी मोटी बातें नहीं, लेकिन एट द डीपेस्ट लेवल की आपकी मानसिकता कैसी है, वट आर योर अर्जेज, इम्पल्सिस, ग्रीड तो नहीं है, एंगर तो नहीं है, जेलिसी तो नहीं है, रेज तो नहीं, जो षड रिपु कहते हैं, वो शुरू से ही उसको वो बहुत ही केयरफुली वॉच करती थी, क्योंकि हम दोनों ही उन्हीं के उस वक्त डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उनके डायरेक्शन में थे, तो वो असर जो होना चाहिए था वो हम ही लोगों पहले उन्होंने लागू किया। लेकिन एक बात थी कि सब बता के भी पीछे हट जाती थी, बिकॉज शी वॉन्टेड अस टू मेक आवर चॉइसेस,
ये नहीं कि ज़बरदस्ती, बिकॉज एवोल्यूशन कैन नॉट हैपन बाय प्रेशर, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। वो दिशा दिखा देती थी लेकिन हम लोग को चलाती थी कि वी हैव टू टेक दोज डिसीजन एंड वी हैव टू डिवेलप आवर सेल्व्स। यहाँ तक कि पढ़ाई का भी प्रेशर वो मान नहीं दिया। मेरे पिताजी ज़रूर बहुत उस पर ध्यान देते थे कि क्या मार्क्स आए, दिखाओ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और उनकी वजह से शायद मेरी हैबिट्स कुछ ठीक भी रहीं क्योंकि वो काफ़ी नज़र रखते थे इन बातों पे। श्री माता जी नहीं, वो उनकी डीपर विजन थी, और जो चीज़ चाहिए, जो एबिलिटीज़ चाहिए वो पाने के लिए जो पिताजी गोल्स बताते थे वो श्री माता जी प्रोवाइड करते थे। पूरी दुनिया को उन्होंने एक समय में बता दिया कि मैं परमात्मा हूँ, खुल करके पूरी दुनिया के सामने। वो बचपने में आप लोगों के साथ, क्योंकि एक स्वयं परमात्मा होने के बावजूद भी वो आपको ये नहीं बताया उन्होंने कि मैं परमात्मा हूँ। 1970 में उन्होंने सहज योग का प्रारंभ करा, विश्व का जागरण का कार्य शुरू करा। 1970 तक वो आप लोगों को धर्म के बारे में क्या बताती थी? श्रीमाता जी वॉज बॉर्न प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। मैंने जन्म से, उनके पिताजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेसी थे जी। तो द मोस्ट लिबरल कांग्रेसी और क्रिश्चियन दैट आई नो वॉज माई ग्रैंड फादर। तो उनके घर में बिल्कुल जो कहते हैं ना धर्म निरपेक्षता, वो उस घर में बिल्कुल मौजूद थी। चर्च मेरे ख्याल से एक आध बार ही वो लोग कभी गए होंगे, मैं तो मेमोरी में इतना है नहीं। नाना वैसे थे, लोग मिलना जुलना थे, वॉज वेरी सोशल पर्सन, ऑल्सो वेरी वेल नोन लॉयर ऑफ नागपुर। लेकिन इन्होंने एज सच जो कहते हैं ना कि चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म में नहीं कि वो रोज़ाना की दाल चावल की तरह धर्म नहीं हम लोगों पे, एक उर्दू में वर्ड है, मुसल्लत नहीं किया, हाँ इम्पोज नहीं किया, और ना हम लोगों को उस ढांचे में ढाला। बट ज़रूरी ये था कि अपील टू द माइंड, की जो माइंड है वो इंक्वायरिंग माइंड हो, वो सोचे सही गलत क्या है ये समझे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो आचरण हो वो कैसा हो, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान था। ये कोई कहे कि सवेरे शाम पूजा करो या ध्यान, ये कुछ सब कुछ नहीं, कोई रूल्स नहीं थे उस मामले में माँ के। लेकिन जो चीज़ मेरी समझ में होनी चाहिए बिकॉज ऑफ योर पूजा, बिकॉज ऑफ योर रिलीजियस डिसिप्लिन, उस चीज़ पे बहुत एम्फोसिस था कि असर क्या होता है सब चीज़ों का। तो वो सब चीज़ें आपको करना है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, दिल खुला होना चाहिए, सच बोलना है एकदम, और किसी चीज़ का नखरा नहीं, अति नहीं। ये माँ का एक बहुत फेवरेट होता है, किसी चीज़ की अति मत करो। ये मुझे बहुत काम आया लाइफ में कि कोई भी चीज़ आप जब गड़बड़ होती, जब आप इम्बैलेंस में जाते हो, सब चीज़ ठीक है विद इन प्रोपोर्शन। तो माँ का ये बड़ा भारी गुरु मंत्र था कि कोई चीज़ की अति मत करो, इवन अति ऑफ प्रेजिंग समबडी, अति किसी चीज़ को अति मत करो। सो आई थिंक अगर उनसे कहा जाए धर्म, तो हर धर्म वॉज इंसानियत, ह्यूमैनिटी, अगर आप कॉमन टर्म्स में। वही वही बचपने से आप लोगों को उन्होंने दिया, जबकि बच्चे छोटे होते हैं उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि भाई तुमने ऐसे आचरण रखना है, तो उनकी दृष्टि में बच्चों का आध्यात्मिक रोल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बजाय कि खाली वो रिलीजन में दो टाइम की पूजा पाठ करें, लेकिन उस पूजा पाठ के बाद जो उनके अंदर जो आचरण में आना चाहिए, श्री माता जी का सीधे सीधे तत्व पे ज़्यादा ध्यान था कि वो धर्म का तत्व बच्चों में है या नहीं है। एक दीदी अभी अपने बातचीत में बात आपने करी थी कि फादर साहब IAS ऑफिसर थे और उस समय में बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी पढ़े लिखे लोग होना, और उसके बाद इस पदवी तक पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि थी, और आपने उसके साथ एक शब्द जोड़ा, ईमानदार IAS ऑफिसर। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या पारिवारिक परिवेश था, क्योंकि IAS ऑफिसर भी ठीक है अपनी जगह पे होते हैं बट लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की, क्योंकि बहुत ईमानदारी वाला युग था। हम उस समय मेरे ख्याल से आज़ाद हुए हुए थे, साधन भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। उस समय श्री माता जी का क्या दिशा निर्देश होता था घर गृहस्थी में एक सीमित आय में परिवार को चलाना और उसके साथ उनको संस्कार देने? क्योंकि किसी भी युग की बात करी जाए, समय की बात करी जाए, जो भी माहौल होता है उसमें कहीं ना कहीं इंसान सबसे पहले अपने शारीरिक कंफर्ट और सो कॉल्ड स्टेटस की तरफ भागता है। हम अपने दर्शकों के लिए ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि श्री माता जी एक IAS ऑफिसर के वाइफ थे, खुद इतनी बड़ी आध्यात्मिक शख्सियत रहे हैं, वो जो पापा जी की तनख्वाह आती थी, जो भी अर्निंग थी उस प्रोफेशन से,
उसके बारे में क्या संस्कार श्रीमाता जी ने दिए, क्या सिखाया बचपन से? एक्चुअली वो आपने ठीक कहा कि वो ज़माना जो था, भी आज़ादी मिली थी तो गांधी जी बहुत ही हाल ही में जी गए, और गांधीवाद जो था और वो जो सादगी उन्होंने जिस शक्ति से हम लोगों ने स्वतंत्रता जीती, उसका मूल रूप से सादगी का था कि अगर सब लोग ना अपनाते उस तरह की सादगी और अपनी अपनी एजेंडाज पे चलते मटीरियल स्तर से, शायद हम लोग कभी यूनाइट करके इस तरह का सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट कर ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत त्याग उसमें चाहिए था। तो वो एक तरह का दैट वाज अ नेशनल रिलीजन कि हम लोगों को स्वतंत्र होना है और उसके लिए हमको जो करना पड़े, कि नाना ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वैसे अनेक लोगों ने सफ़र किया, बहुत लोग अपने नॉर्मल लाइफ, अपनी नॉर्मल इनकम्स त्याग के, फैमिली लाइफ छोड़ छाड़ के अरेस्ट हो गए, उनमें से नाना भी एक थे। तो माँ ने ये सब देखा था जी। तो ये चीज़ उनकी नींव में थी, एंड शी हरसेल्फ वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड शी वाज फुल्ली अग्रीड ऑन दिस पॉलिसी ऑफ सेल्फलेसनेस, पेट्रियाटिज़म, दैट इज़ अ वेरी बिग एक जज्बा जो है जी। तो वो जज्बे की इज्जत मेरे पेरेंट्स की बहुत ही एक जैसी थी कि वी आर वेरी पेट्रियाटिक एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर आर कंट्री। वो जब मोटिवेशन था उन लोगों का, तो उससे ये है कि कोई भी चीज़ आप फिर उसके खिलाफ नहीं कर सकते, जो भी बेईमानी हुई वो देश के खिलाफ हो जाती है, अपने ज़मीर के खिलाफ हो जाती है, देश के खिलाफ हो जाती है। और वॉट हेल्प्स अ लॉट इन दिस मैटर इज़ कि अगर समाज ही उस तरह का हो जहाँ सब कोई उसी तरह है मोर और लेस, मैंने मेरी जाने में तो जितने ऑफिसर्स थे, हम लोग जो मुझे याद है जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप जॉब जो होता था टैक्सेशन का, वो एक नारायण राव साहब थे, जिनकी जो हम लोग के बाई चांस नेबर थे बम्बई में, और फिर यहाँ दिल्ली जब पापा शास्त्री जी के पास आए तो वो भी पहले ट्रांसफ़र हो गए थे, सो ही हैड द टॉप टैक्स जॉब इन द कंट्री। तो हम लोगों को, उन लोगों ने, दोनों बहनों को पापा ने पहले भेज दिया जब शास्त्री जी के पास आने वाले थे कि तुम दो बहनें वहाँ रह जाओ जब तक कि हम लोगों का ट्रांसफ़र होता है। तो उनके हम लोग रहे, तो वो उसी तरह, वो मिसेज राव जो थी अपने हाथ से खाना बनाती थी, उनमें घर, उनके घर में आधी एक महरी यूपी में कहते हैं जी, वो आती थी बर्तन मल के पोछा करके चली जाती थी, फिर एक जने आती थी कपड़े धो देती थी, लेकिन मिसेज राव जो थी उनको मैं अम्मा बुलाती थी, सवेरे 5 बजे उठ जाती थी, सब्जी काटती थी, छौंकती थी, खाने बना, दिन भर वो चौके में रहती थी। दिस वॉज द वाइफ ऑफ द टॉप टैक्स ऑफिशियल इन द कंट्री, और बहुत माँ से बहुत करीब दोस्ती थी उनकी, बहुत अच्छी थी, मुझे भी बहुत प्यार करते थे वो। इस तरह के लोग होते थे तो फिर उतनी अड़चन भी नहीं होती ना, कि अगर अगल बगल लोग भी उसी किस्म के हों तो बहुत आसान है, आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई दिखावेबाजी नहीं होती। दीदी श्रीमाता जी का क्या रूटीन था, हमारे दर्शक एक जरूर जानना चाहेंगे ये। बहुत अच्छा जितनी मुझे याद है, क्योंकि मुझे कितनी दूर की याद आ रही है, एक तो मुझे याद है मेरठ की याद है, जब शायद मैं गोद में थी, पापा वहाँ डीएम थे मेरठ में, तब की याद है, पर 3-4 साल के बाद कुछ याद आ जाती है। पर जब से मुझे याद आती है, इनकी रूटीन ये थी कि सवेरे जब पापा उठते थे तो वो समय इनके लिए बड़ा प्रेशियस होता था, तो ये लोग अपना चाय, पापा का अखबार, पर ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो आखिर तक वैसा ही रहा। तो हम लोग अपना उठे, दोनों बहनें तैयार हुए, कब स्कूल निकल गए, वो बहुत मामूली सा होता था, निकल गए अपना, कोई फर्स नहीं। ना एक बात आपको बताएंगे, जो उन दिनों मेरे रिवाज नहीं था कि बच्चों के बहुत सर पे चढ़ाया जाए उनको, उनको अपनी जगह पे हम लोगों को रखा जाता था, नंबर 1 to 10 वॉज पापा एंड अम्मा, उसके बाद ही हम लोग कहीं तो भी आते थे। नॉट दैट हम लोग निगलेक्टेड थे, ऐसी बात नहीं थी, पर वो कायदा भी था कि इट वॉज पेरेंट्स फर्स्ट। तो ये लोग अपने साथ वो टाइम बहुत ही स्पेशल रखते थे, सारी बातें होती थी, हंसी मजाक होता था, और मेरे पापा जो थे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उनके फ़ोटो देखे तो बिलीव नहीं करेगा कि कितने मजाकिया वो हो सकते थे, और आपस में मियाँ बीबी की टीजिंग जो चलती थी, किस तरह से वो ठहाके लगते थे, सो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। उसके बाद वो ऑफिस की तरफ चले जाते थे, तो ही वुड आई थिंक लीव बाय 9:30 or 10 o'clock, फिर अम्मा अपना बिजी होती थी, तो अगर घर में नौकर रहा तो खाना नहीं बनाना पड़ता था, नहीं होता तो खाना बनाती थी, और हम लोग स्कूल से आए तो कभी मुझे टिफ़िन बना के देती, जो हर एक हाउसवाइफ करती वो सब काम करती थी,
और मुझे याद है टिफिन अक्सर अम्मा ब्रेड में वो दबा के जो सैंडविच बनता है उसमें जी मूंग डाल के, वो रोज़ 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 होता था, तो मैं उसको नहीं खाती थी। ये बात अम्मा को भी पता थी कि ले जाती है और वापस आ जाता है, खाती बस नहीं और इस तरह से उनको बहुत शौक था खाना बनाने का। आई मस्ट टेल यू दिस कि सब लेडीज़ कुछ ना कुछ तो बनाती, लेकिन इनको था कि इनका सारा प्यार जो था वो खाने में आता था, खाना बनाना, खाना खिलाना। तो माँ बहुत मेरी गोरी थी, बहुत सुंदर थी देखने में, तो उनके जो हाथ थे गोल गोल, मैं छोटी थी 9-10 साल की, तो मैं वॉच करती थी माँ को रोटी बेलते हुए। उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, मैंने सीख लिया देख देख के। तो वो ऐसी रोटी बेलती थी कि जो उठानी ना पड़े, तो वो उसमें परथन लगा के, हम लोग यूपी में कहते हैं परथन, जी आटे के गोला बनाया उसको फ्लैट किया, उस पर आटा लगाया उसको रख के फिर बेला जाता है, जी तो ऐसे बेलती थी, उसको फिर उठाते नहीं थे, वो घूमती थी रोटी, तो वो बिल्कुल गोल बिना उठाए बन जाती थी और उसको वो सेकती थी। तो ये मैं रोज़ रोज़ वॉच करती थी, तो मुझे रोटी बनाना आ गया, जी दिस वॉज क्वाइट अर्ली। तो बाकी खाना आया ना आया, रोटी बनाना आ गया। तो ये शी हैड दिस, और एक चीज़ वो बनाती थी वहाँ, इसको हम लोग बिहार में रिकोच कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, महाराष्ट्र में कुछ नाम है, जो वो अरवी के पत्तों के लपेट लपेट के बनता है, वो जी बेसन डाल के। तो ये बड़े शौक से अपने हाथ से, उन दिनों मिक्सी विक्सी कुछ नहीं था, मसाला पीसती थी, सब अपने हाथ से सारा खाना बनता था, बहुत सिंपल। उनको ये था कि अगर किसी को प्यार करना है तो उसको कुछ बना के वो खाना खिलाती थी, और बैठ के वॉच करती थी कितना खाया, अच्छा वो नहीं अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा है तो और खाओ, तो वो उस तरह से वो घेर लेती थी। दैट वॉज सॉर्ट ऑफ अ छोटा सा, लेट अस से लिटिल मिनिएचर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ शी लव्ड ऑल ह्यूमन बींग्स। ये एक चीज़ थी माँ में, And that is we are talking before 1970, much before मच when मच Sahaj Yoga started. मच बिफोर, क्योंकि फिर उसमें ये था ना कि घर में कौन आएगा, क्योंकि हम लोग रिश्तेदार बहुत होते थे, जी तो वो तो खैर अपने थे, और माँ को ये था कि सारे रिश्तेदार उन्हीं के हैं, कोई पापा के हैं और इनके हैं, ऐसी कोई ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जो आ गया वो अपना रिश्तेदार वो है. सब अपने हैं। और भी लोग आते थे, पड़ोस के लोग, जान पहचान के लोग, लेकिन सबको वो एज ए मदर ही ट्रीट करती थी, क्योंकि वो लोग सब याद करते थे माँ को उसी तरह, बिकॉज शी वॉज सो फॉन्ड कि अच्छा तुम्हें क्या तकलीफ है, कैसे खाना बनाए, क्या खिलाएं तुमको, क्या किस तरह से तुम्हें प्यार करें, टेल मी हाउ टू लव यू, ऐसी थी वो। शी इज रिमेम्बर्ड फॉर दैट बाई एवरीबडी। दर्शकों, बात हो रही है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अगर वो एक इशारा भी कर देती तो हजारों लोग जो वो कह देती सिर्फ वो वही करते. और एक मज़ेदार बात, एक ऐसा परिवार जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी था, परिवार भी वही है. हम बात कर रहे हैं श्री माता जी के पति देव जी श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी की, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ रहे. कितनी सुंदरता के साथ हम आपके साथ बिना कहे बड़ी सारी बातें शेयर कर ले जा रहे हैं कि आज दुनिया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रही है. वो लड़ाई बाहर से लड़ रहे हैं, जबकि अगर आप आज़ादी के बाद का समय देखें, संस्कारों की बात देखें और बलिदान की बात देखें, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर शुरू से थीं. कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से हटना, बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचते रहना भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण हो सकता है. हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज जो सहज योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि बताया नहीं जाता कि भ्रष्टाचार नहीं करना, बताया नहीं जाता कि आपने नशा नहीं करना. शायद ये वही ताकत थी श्री माता जी की, जिसने सहज योग शुरू होने से पहले ही वो सब कुछ समाज को, परिवार को बांटना शुरू कर दिया था, और वो केवल एक चीज़ थी, वो था प्रेम. कहीं ना कहीं साधना दीदी, ये एक बहुत बड़ी प्यार की शक्ति रही कि जिसने लोगों को गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया. शायद वो उनका प्यार था, जैसा कि आपने बताया, आस पड़ोस के लोग, कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट श्री माता जी के प्रति लोगों का शुरू से ही था, चाहे सहयोग शुरू हुआ या ना हुआ, वो एक लगाव, वो अपनापन वो लोग श्री माता जी में ढूंढ ही लेते थे. आज हम अपने बच्चों के लिए, अगर हम खास करके बात करें, हमारे पास अगर दो के साधन होते हैं तो हम चार चीज़ें करने का प्रयास करते हैं.
हम उनको बताते नहीं कि हमें परेशानी क्या है, हमें तकलीफ़ क्या है, हम उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम श्रीमाता जी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि वो तो आदि माँ के रूप में उनको जाना गया पूरी सृष्टि में। उन्होंने अपने बच्चों को कैसे सही शिक्षा दी, सही दिशा दी, और कैसे बताया कि हमारी हदें कहाँ तक हैं? क्या श्रीमाता जी ने बताया ऐसा कुछ, या रोजमर्रा के जीवन में उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, दिस इज योर लिमिट एंड यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ विद इन दिस? यू नो विवेक, जैसे आप पैसे की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो अब कहते हैं, जब ऐसी लोग बातें करते हैं हम सचमुच बूढ़े होने लगते हैं कि हमारे युग में ऐसा होता था, लेकिन हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो जो हम लोग के दोस्त थे या जो जो इमीडिएट सर्कल था वो सब सरकारी नौकरों के बच्चों का था जी। तो एक तो मुझे याद है आई वॉज 13 or 14, हम लोग राउज एवेन्यू में रहते जब पापा शास्त्री जी के पास थे, तो वहाँ बगल की सड़क पे एक मेला लगा, तो शाम को टहलते हुए अम्मा ले गई घुमाने, और मेला दसी हम लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, तो एक मुझे सुरमे दानी बहुत अच्छी लगी, छोटी सी थी उसका, वो बहुत सुंदर था, वो जो ऊपर की कलम उसकी होती बहुत सुंदर थी, तो हमने कहा अम्मा ये ले लें, वो 2.25 रुपए की थी उस वक्त, तो मैंने देखा कि हाँ अच्छी तो है, आज तुम उसको ठीक से देख लो, फिर हम लोग कल आएंगे तो फिर सोचेंगे फिर खरीदेंगे। तो मैंने उसको बहुत ठीक से देख लिया और फिर कल वो शायद नहीं आया, तो वो नहीं हुआ। तो माँ जो थी वो कभी इस तरह से डपट के, डांट के या लिमिट करके, उन्हें अप्रिय कुछ नहीं होता था, बट इट बिकेम ऑब्वियस कि हम लोगों को इस मर्यादा में रहना है। अरे ये कभी बिलखते रोते नहीं कि भाई ये लोग हमें पैसे कम है क्या करें हम कैसे मैनेज, उस तरह की बात माँ नहीं करती थी कभी, लेकिन ज़रूर था ऑटोमेटिकली कि अगर महीने के एंड में कम हो रहे हैं पैसे तो मेनू छोटी हो जाएगी या कुछ चीज़ें अपने आप, ये बहुत महंगी है हम लोग नहीं लेंगे। एक बड़ी बड़ी मदद मुझे लगती मिलती है कि जिस समाज में आप रहते हैं, अगर उस समाज में सारे ही इस तरह के लोग हों तो फिर आप अपने आप संयमित हो जाते हैं। कॉलेज में हम लोग थे तो मुझे 8 आने रोज़ मिलते थे, तो महीने के 15 रुपये, तो वो करीब करीब सब लड़कियों का वही था, तो 4 आने में आप पूरी सब्जी, भेलपूरी, आलू बोटाटा वड़ी जो भी खाना है खा लीजिए, और 4 आने में कोई एक कोको कोला, उन दिनों पीते थे कोको कोला विच आई डोंट ड्रिंक नाउ बट उन दिनों ले लेते थे। तो सब जने यही करती थी मेरी फ्रेंड्स, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड कॉलेज पे थी उसके फादर चेयरमैन थे बैंक ऑफ इंडिया के, प्राइवेट बैंक थी जब, तो आप सोच सकते हैं रुतबा। लेकिन वो भी मेरी तरह, उसके पास भी 6 जोड़े कपड़े थे, मेरे पास भी 6 जोड़े कपड़े थे, और हम लोग दोनों को 8-8 आने रोज़ मिलते थे, और हम लोग इसी तरह अपना जीवन निवारण करते थे। उसमें एक जने थी उसको 1 रुपया मिलता था, वो कोई सी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, तो शी वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉट ऑफ सेक्लूजन कि भाई ये अमीर है, इसको लाइब्रेरी से भी किताब मत दिलवाओ क्योंकि खरीद सकती है। हम लोग क्यों में खड़े रहते थे किताबों के लिए, क्योंकि हम लोग सब एक तरह के गरीब थे सब। दर्शकों, ये बात हो रही है एक आईएएस ऑफिसर के बच्चों की, जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि आईएएस ऑफिसर क्या ताकत रखते हैं, और ख़ास करके अगर आज के युग की बात करी जाए तो शायद हम कल्पना भी नहीं करेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर के बच्चे दुकान में भी जा करके लाइन लगेंगे। लाइब्रेरी की तो बात बहुत दूर की है, अगर उनको कोई सामान खरीदना होगा तो शायद वो लाइन लगने का तो प्रश्न ही नहीं, अर्दली जाएगा और वो किताब लेकर के आएगा और वो किताब के पूरी दुकान ही उठा लाएगा, ये सच्चाई है। तो उस समय साधना दीदी, कैसे आपको लगता था कि एक आईएएस ऑफिसर की बेटी हूँ, श्रीमाता जी का धीरे धीरे एक अपना रुतबा था, एक उनका अपना प्यार था, और सारा कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं पर भी बच्चों को कोई प्रिविलेज नहीं लेने दी? उस तरह से वो बिल्कुल वो कल्चर ही नहीं था कोई, वो इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि हम लोग उसका बड़ा रोक झाड़े, वो ख्याल ही नहीं आया। माँ बाप ही जब इतने सिंपल थे तो हम लोग किस चीज़ क्या करते उसमें। वह मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड शी वॉज द डॉटर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया, उसको आप देखते तो कोई कह नहीं सकता था कि शी इज़ अ प्रिविलेज्ड घर की लड़की, बहुत सीधी सादी, मेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता है, और उसी तरह वो भी सीधी बात, उसकी लंच आती थी तो वो एक मट्ठा था और वो खाकरा खाते ना गुजराती, दैट वॉज हर लंच, अगर आया तो, नहीं तो वही आठने वाला लंच हो जाता था, 50 पैसे में सबका पूरा खर्चा निपटना होता था दिन भर का, और उसी में खुश थे। दैट इज आई थिंक द की, कि खुशी उसी में थी क्योंकि देयर वाज नो प्रॉब्लम, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, वी वर ऑल वेरी सिक्योर इन आर होम, ये हम लोग पता था कि माँ बाप हमारे लिए हमेशा मौजूद, उनकी निगाह बहुत थी हम लोगों के ऊपर, हर काम पर निगाह थी, वो चीज़ें जो थी वो सबसे ज़रूरी होती हैं। आज मैंने
बर्गर खाया कि नहीं, या मैंने कौन से कपड़े खरीदे, ये तो हम लोग वैल्यू ऐड करें बच्चों के दिमाग में एक्चुअली। लेकिन अगर मेरे समझ में जो कम्युनिकेशन जिस तरह से माँ करती थी हम लोग साथ में, एंड हर कम्युनिकेशन वाज सुपर्ब, उतना कम्युनिकेशन हम लोग बच्चों के पास कर लें आज, तो बच्चे विल बी कम्प्लीटली इन सिंक विद अस आई थिंक। हालांकि दुनिया बदल गई है, बच्चों पे प्रभाव बहुत दूसरे तरह के पड़ रहे हैं। एक और चीज़ थी, हम लोग बदतमीजी कभी नहीं कर सकते किसी के साथ, नहीं बदतमीजी, ये तो सवाल ही नहीं। इस पर बहुत जोर था जब लोग आए, हाउ यू रिसीव पीपल इन द हाउस, आप नमस्ते कैसे करिएगा, दरवाज़ा कैसे बंद करिएगा, पूछताछ कैसे करिएगा, किसी की आवभगत कैसे करिएगा, दिस वॉज वेरी। और यीशु माता जी खुद सब कुछ, ये सब बहुत ज़्यादा था इस पर कि नज़र रहती थी कि डिड यू बिहेव प्रॉपरली, जब लोग आते गए मैं तुमने क्या किया। दीदी हमारा जो इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य है, अंश आते हैं अवतरण आते हैं, वो समाज को एक मैसेज देकर के चले जाते हैं, और मैसेज देने के बाद अगर हम पिछले अपने कई युग जोड़ लें तो वो एक मैसेज रह जाता है, और उसके अलावा वो मैसेज किसी काम का नहीं रहता। जो अंतर से परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो एक ऊपर से हमें चीज़ बता गए हैं जो हमें माननी है। हम इस उद्देश्य के साथ आपके साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी धरोहर, शायद ये इतिहास में, धर्म के और आध्यात्मिकता के इतिहास में पहली बार होगा कि दुनिया के अगर 195 196 देशों की हम बात करें, पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया के एक एक कोने में सहयोग है। ये अपने आप में एक मिसाल है, और इस मिसाल को कायम रखने के लिए जो श्री माता जी ने मेहनत करी प्रतिदिन, जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इसको फैलाने के लिए, और बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि सहयोग में कोई पॉलिटिशियंस का इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं है, शायद इन चीज़ों का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि श्री माता जी ने बात ही सिर्फ आध्यात्मिकता की ही करी है, उन्होंने तो धर्म की बात भी नहीं करी। हम आपके साथ जो बातचीत का सिलसिला लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब कोई इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, दुनिया को ये लगता है कि दैट एवरीथिंग इज़ वेरी इजी फॉर देम, और एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर देम, उन्होंने तो कुछ संघर्ष करे ही नहीं होंगे, बच्चे भी अपने आप बड़े हो गए होंगे, उनको ट्रेनिंग भी सब ऑटोमेटिकली मिल गई होगी। हम दर्शकों आपके साथ ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि चाहे परमात्मा स्वयं भी आता है तो भी उसको अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपनी मर्यादाएं, उसने भी इंसान के रूप में इंसान की तरह ही निभानी होती हैं। दीदी कितना मुश्किल रहा होगा वो समय जब 1970 4 मई तक श्री माता जी सिर्फ एक परिवार तक सीमित थी, या दो परिवार तक सीमित थी। 5 मई 1970 नारगोल का वो तट जहाँ पर श्री माता जी ने पूरे विश्व को अपना परिवार बना दिया, वो एक दिन, वो एक लम्हा, जिसके बाद श्री माता जी ने उस सांसारिक आध्यात्मिक दायित्व का शुभारंभ कर दिया, परिवार के लिए कितना मुश्किल था? एक्चुअली उस वक्त तक दीदी मेरी बहन की शादी हो गई थी और मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी, तो लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही थी उस वक्त, शादी मेरे उसके अगले साल हुई थी फरवरी में, और इन दैट सेंस ये वाला जो कार्यक्रम था उनका पूरा हो गया था, क्योंकि दीदी की तो शादी हो गई, मेरी भी, और फिर मैं ससुराल भी चली गई उसके बाद, दूर चली गई, तो दैट पार्ट वाज ऑलरेडी डन। पिताजी के साथ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसके बाद 71 में मेरी शादी हुई, और 74 में फिर पिताजी को जो IMO की जॉब हो गई, जो फिर इंटरनेशनल एरिना में चली गई, तो एक IAS ऑफिसर जो ईमानदार है, उस वक्त तक कष्ट से ही सारे उन्हें इकोनॉमिक जो नेसेसिटीज लाइफ की वो पूरे करते हैं, सब जो ईमानदार हैं उनका सब एक ही कहानी है सबकी, बट बाई गोइंग टू द UN द पे पैकेट वॉज डिफरेंट, तो बहुत उसमें फाइनेंशियल आज़ादी हो गई, और फिर कंफर्ट थोड़े और बढ़ गए उसके बाद। श्री माता जी ने वो रोल बहुत खूबी से निभाया, द वाइफ ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN बॉडी, बहुत खूबी से बढ़ाया, शी वॉज़ वेरी ग्रेसफुल लेडी एंड शी वॉज़ वेरी वेल नोन इन डिप्लोमेटिक सर्कल, सब कुछ था,
और उसके साथ साथ इंटरनेशनल एरिना में जाके लोगों से मिल के सहयोग शुरू हो गया। तो ये एक डिवाइन प्लान था, क्योंकि पापा का वहाँ जाना एज अ डिप्लोमेट ओपन द डोर टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि उसके बाद वो बहुत ट्रैवल करते थे और उनके साथ ये ट्रैवल करती थी। और कैसे 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 कैसे, क्योंकि देखिए ईश्वर के प्लान को हम लोग नहीं जान सकते पहले। अब किस लिए, विच कम्स चिकन एंड एग सिचुएशन, वॉज इट बिकॉज ऑफ गॉड दैट ऑल दीज थिंग्स हैपन और हाउ दीज थिंग्स हैव देन गॉड। मैं समझती हूँ कि एक डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि इन दोनों की लाइफ जो थी, मेरे पेरेंट्स की चमत्कारिक लाइफ है टोटली, पिताजी की भी माँ की भी, कर जी इसलिए कि बिन माँ बाप का बच्चा 3 साल का, उसका सर्वाइवल ही एक बड़ा भारी प्रश्न है। फिजिकली हाउ विल ही सर्वाइव, ही हैज़ नो पेरेंट्स एंड नो फाइनेंसेस, वो कहाँ जाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, फिजिकली कैन ही बी अलाइव, एंड अगर अलाइव है तो उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग। अगर वो ऐसा बच्चा 3 साल का जा के नाइटहुड उसे मिले, पद्म विभूषण मिले उसे, इंटरनेशनल अरीने में वर्ल्ड शिपिंग में एक अथॉरिटी माना जाए, तो इसमें ईश्वर का तो ज़रूर हाथ है। इट इज़ अ डिवाइन प्लान। अश्विनी माता जी ने उनके उन्हें पति चुना, वो पति पत्नी थे, तो कहीं तो भी ईश्वर का तो पूरी कहानी ईश्वर की लिखी हुई है। 1970 के बाद जो शिमाता जी सिर्फ एक परिवार तक सीमित थी, बच्चे घर में आते होंगे, माँ से मिलते होंगे, भाई भतीजे सब कुछ, शिमाता जी वॉज द होल वर्ल्ड फॉर देम, ऑल दोज हु वर कनेक्टेड विद हर बाय दैट टाइम, फॉर सो मेनी रिलेशंस, फॉर सो मेनी यू कैन से मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिनके लिए शिमाता जी बस शिमाता जी थे, निर्मला श्रीवास्तव थे। और 1970 में वो माँ पूरी दुनिया की माँ बन गई। जो लोगों के लिए वो 24 घंटे एक्सेसिबल थी, उनका टाइम कटना शुरू हो गया। जिनको टाइम मिलना शुरू हुआ, वो तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते होंगे, जिनका टाइम कटना शुरू हुआ उनको क्या हाल होता होगा? आई थिंक इसमें नंबर वन होंगे पिताजी जी, क्योंकि पिताजी के साथ समझिए एक प्रकार से मैं यूँ कहूँगी कि पापा खुद इतने बिजी थे कि एक माँ की ये हमेशा वो रही कि पापा को टाइम ही नहीं, तो वो पापा की बिजी शेड्यूल में एक दो हो गए बिजी शेड्यूल वाले। सच पूछे तो हम लोगों का नुकसान हुआ, बच्चों का, क्योंकि दो, एक से दो बिजी हो गए सारे, बहुत बिजी हो गए दोनों। पापा तो खैर बेहद बिजी थे और अम्मा भी बहुत बेहद बिजी, लेकिन एक बात है विवेक, इस बिजी शेड्यूल, सुपर बिजी शेड्यूल में भी एक दिन नहीं बीते जब वो लोग हम लोगों का हाल चाल ना लें, हम उनसे बात ना करें, कनेक्शन ना हो कि भाई क्या चल रहा है, क्या चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों की भी सुपरविजन, छोटी छोटी बातों की भी पूछताछ, दे वर ऑलवेज कनेक्टेड। तो एक प्रकार से उनको मालूम था कि एज फार एज फिजिकली द चिल्ड्रन आर कंसर्न, ये लोग अब सही सलामत हैं, उनको अब उस तरह की ज़रूरत नहीं है जो बचपन में थी, मगर उनको अभी भी हमारे प्यार की जो शफकत कहते हैं कंसर्न वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आज तक मैं वो नाता उनसे कभी तोड़ नहीं, ना तोड़ी हूँ ना तोड़ पाऊँगी, क्योंकि सवेरे उठ के मैं उनसे बातें करती हूँ। मेरे रूम में भी उनकी तस्वीरें लगी हैं, वहाँ उस रूम में शिमाता जी की वो तस्वीर, उसी के नीचे मैं हर दोपहर को सो जाती हूँ और उन्हीं से बात करते रहती हूँ, क्योंकि उनकी जगह कोई माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। एक बातचीत में दीदी एक बहुत ही सामाजिक सी चीज़ उभर के आई आपके साथ, पापा जी बहुत बिजी थे, और आज की डेट में अगर हम दुनिया के हालात देखें, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयों का एक मुख्य कारण है कि अगर पति बहुत बिजी होता है तो एक काउंटर पार्ट को शिकायतें रहती हैं, बजाय कॉम्प्लीमेंट करने के कमेंट्स शुरू हो जाते हैं, और शायद हमारे समाज का, हमारे परिवार का विघटन शुरू हो जाता है। आपने बताया पापा जी बहुत बिजी थे, शिमाता जी ने क्या रोल निभाया एज अ वाइफ बिफोर कमिंग टू सहज योगा, बिफोर द इनिशियल स्टार्ट ऑफ सहज योगा, हाउ श्रीमाता जी एज अ वाइफ कॉम्प्लीमेंटेड पापा जी? यू नो विवेक, अगर मैं ये कहूँ कि उनमें कभी अनबन नहीं हुई तो मैं आई विल बी टेलिंग समथिंग विच अननेचुरल, स्पेशली अबाउट द टाइम ही वुड गिव टू हर, क्योंकि हर एक पत्नी को चाह होती है कि जितना टाइम मिले पति उनको अटेंशन दे और कंपनी स्पेंड करे, अगर वो नहीं करती है तो कुछ गड़बड़ है जी। तो वो चीज़ बहुत स्वाभाविक है कि ऑफ ऑल शी वुड मिस हिम द मोस्ट, वेट फॉर हिम द मोस्ट, और जो टाइम उन लोगों का, जैसे अब सोशल
एक्टिविटीज़ हैं, तो सब साथ होती थी, क्योंकि अगर शाम को निकलना है बाहर तो 7 में से 6 दिन ये लोग बाहर जाते थे, क्योंकि आज पार्टी है, वो वेरी एक्टिव सोशल लाइफ जो उनकी शिपिंग वर्ल्ड में थी, दोनों जने साथ जाते थे. बट शी ऑलवेज वॉन्टेड हिज कंपनी एंड शी ऑलवेज सेड ही कीप्स टू बिजी, आई विश ही कुड बी हियर मोर, यू नो. फिर अच्छा फिर तुम दिल्ली जा रहे हो, अच्छा ये विच इज़ अ वेरी आई थिंक अ हेल्दी एंड नॉर्मल थिंग फॉर अ वाइफ टू डू दैट शी शुड डू. लेकिन मूल रूप से जो कहते हैं ना, एक्चुअली रियल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है मेरी समझ में इंसानों में, इज़ इन द वैल्यू सिस्टम. क्योंकि ये तो प्यार की लड़ाई है, अगर तुमने मुझे तारीफ नहीं की मेरी, मैं तो अच्छा लग रही हूँ. That is a part of life. जी. पर अगर वैल्यू सिस्टम अलग है कि एक लालची है और एक नहीं है और कहते तुम मुझे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा के दे रहे हो, मुझे ये लेना, दैट फॉर मी इज़ एन अनहेल्दी सिचुएशन. अम्मा पापा में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी कभी भी नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी थी. और जहाँ तक कि चीज़ों की बात है, अम्मा हो सकता है कि शी माइट हैव फेल्ट तंदरुस्ती, जो कहते हैं कि अच्छा आज इस महीने में ये नहीं कर पाए हम, ये वो साड़ी खरीदने में, इट्स नॉर्मल. लेकिन वो झगड़े के कारण कभी, हिज ऑनेस्टी वॉज एज इम्पॉर्टेंट टू हर एज टू हिम. अच्छा, शी वॉज अ गांधियन एंड अ पेट्रियट एंड सो वॉज देश प्रेम, इन लोगों का बहुत अटूट जो कहते हैं था. सो दिस वॉज अ वेरी कॉमन वाइब्रेंट पॉइंट विद देम, दे वुड टॉक अबाउट इट, देश के बारे में बात करते हैं. एज यू नो शिवांता जी है सर भारतीयता पे इतना एम्फोसिस दिया, उन्होंने बहुत ऊँचे लेवल पर उसको ले गए हैं. क्योंकि किसी ने पूछा कभी कि अच्छा आपके इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन बहुत है, बहुत लोग जन्म ले रहे हैं, टू मच पॉपुलेशन, सर हाँ इसलिए ऑल द सोल्स वॉन्ट टू बी बॉर्न इन इंडिया, वॉट टू डू. तो उसका उन्होंने सीधे, मैंने फॉर हर इंडिया वॉज अ डियरेस्ट बिलवड मदरलैंड एंड फॉर हिम. उन्होंने कहा कि जब मैं चाह रही थी इंग्लैंड 74 में, जब ये लोग गए हैं, तो क्या मैंने एक मुट्ठी में अपनी मट्टी उठाई, उन्होंने कहा ये मट्टी मेरे साथ जाएगी. सो शी वॉज दैट वे एंड सो वॉज पापा, दे वर ग्रेट पेट्रियट्स. इन सब डीपर वैल्यूज में कोई, दे वर लाइक ट्विन्स, उसमें कोई बिल्कुल दो मत नहीं, बोथ वर एक्सट्रीमली जेनरस. ये भी एक बात होती है कि वह एक को चाहिए कि मैं पैसा सब बटोर के रखूँ, दूसरा लुटा रहा है. आई वुड से दे वर बोथ इक्वली लाइक माइंडेड. आँख मूंद के हेल्प कर, फाइनेंशली उनका भी पैसे नहीं गिनते थे लोग. दिस इज़ अनदर मिराक्युलस थिंग कि मेरे मामा पापा जब चले वहाँ लंदन के लिए, तो एक्चुअली दे हैड नो बैंक बैलेंस. जब गए हैं तो वहाँ पे जब UN की जॉब हुई, तो उनको जो तनख्वाह मिली उससे बहुत ही मैनी टाइम्स मोर तनख्वाह, तो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आई, वो सब कुछ हुआ. लेकिन उस स्थिति में जब इनके पास बैंक बैलेंस नहीं, तो मेरे यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं जो हम लोग साथ रहे, जिनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, शादियाँ कराई, उसी लिमिटेड में. ये नहीं सोचा कि मैं 4 पैसे बना के अपने लिए हीरे मोती बना लूँ. अम्मा ने ये काम किया ही नहीं, शी नेवर डिड इट. वो उनको मंजूर था कि ठीक है मेरे पास दो चार जेवर जो भी छोटे मोटे रहे होंगे उसमें वो खुश थी, लेकिन अगर किसी को मदद करना है तो वो, एंड दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, मेरे कजन्स थे, इनके रिश्तेदार थे, जिस वे से मदद कर सकती थी शी, यू नो, बिकॉज शी न्यू कि पैसा इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन उनकी हीलिंग कैसे होगी अगर वो लोग डिनाइड हैं, वो लोग प्रिविलेज नहीं है, तो उनकी हीलिंग कैसे होगी. इस तरह से शी वुड यूज़ मनी फॉर दैट पर्पस. एक हमारी मेरी नीस है रिश्ते में, बट शी इज़ अ लिटिल बिट ओल्डर में, उसकी उन्होंने श्री माता जी ने किसी ने, वो एक माथुर परिवार था दिल्ली में, तो उन्होंने श्री माता जी से कहा कि एक सुंदर लड़की हमको चाहिए अपने बेटे के लिए. आप तो माँ ने कहा अगर उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी ना हो, कायस्थ वो लोग थे, तो कहा कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस सुंदर होनी चाहिए. तो एक मेरी नीस थी, तो माँ जानती थी, और वो लोग मामूली हालात थे उनके, तो बुला के लाएँ. तो उन दिनों लड़की दिखाई जाती, तो दूर से उन्होंने उसको देखा कहीं, फिर वो कहने लगे नहीं. माँ के दिल में रहे वो दुख हुआ, बहुत चोटाई कह रही ना बोल दिया इसको. तब उन्होंने मेहनत करके एक लड़का बड़ा अच्छा खोजा और उसकी शादी कर दी. मैंने उसका बक्सा तैयार किया, उसके लिए कपड़े खरीदे. वो व्यक्ति जो अपने लिए नहीं खरीद सकती, सब करा के उसकी शादी में गई. जब वो विदा हुई तो उसको बस में बैठ के उसके साथ ससुराल गई. अब मैं UP के देहात की बात कर रही हूँ. आई डिडंट नो दिस, दैट गर्ल टोल्ड मी. आप मालूम है मेरे साथ वो बस में बैठ के मेरे ससुराल में मुझे सेटल करके फिर वहाँ से कहेंगे, बिकॉज शी न्यू दोज पीपल, इवन आई न्यू देम एक्चुअली, दे वेरी नाइस पीपल. पर माँ का प्यारा सा था,
वो अच्छा, एक उनका बड़ा बहुत ज़रूरी सिद्धांत ये था कि मैरिज शुड बी डन एंड टाइमली एंड हैप्पीली। तो जितने मेरे कजन्स थे कोई बैचलर तो बच नहीं पाता था, वो सबको सबकी शादियाँ वो बहुत करवा देती थी, किसी एक की टूटी नहीं, मस्त से दे वर ऑल हैप्पीली मैरिड, जैसे भी, लेकिन कम से कम एक साथ थे और सब सही सलामत है। दे ऑल लव एंड रिगार्ड माई मदर अलॉट फॉर दिस। और ये मैं अपने फादर साइड की बात ज़्यादा कर रही हूँ, शी वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल देयर दैट वे फॉर देम। सहज शुरू हुआ 1970 से, सहज की शुरुआत हो गई, घर में आना जाना शुरू हो गया होगा लोगों का, क्योंकि फिर तो उनके दायित्व, उनका दायरा सब बदल गया, रातों रात बदल गया एकदम से। कैसा लगता था उस समय जब घर में आप लोग आते होंगे, या जब आपकी शादी हो चुकी होगी आप आते होंगे, वो मम्मा जो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल थे वो अब बहुत सारे बच्चों के साथ घिरे हुए होते थे, और वो भी बच्चे छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े बच्चे। कैसा लगता था वो? एक्चुअली विवेक, उस अम्मा का तो ये स्वभाव पहले से था जी। क्योंकि सहज योग, मैंने ये तो हम लोग अपने मन में ये सोच के रखे ना कि 5th of May वॉज द डिवाइडिंग लाइन, पर ऐसा जो अवतरण है उसका कोई डिवाइडिंग लाइन तो होता नहीं, नहीं, होता, बिल्कुल नहीं होता। तो वो जितने आयाम पहले थे वो एक माइक्रोवेव में सब पहले से मौजूद थे, हर कलेक्टिव टेम्परमेंट, अपना परापन जीरो। तो हमारे यहाँ तो बहुत से रिश्तेदार, वो कभी उनके किसी भाई के बेटी की चली आ रही, वो 4 दिन हमारे पास रह रही, वो अक्सर हम लोग ड्राइंग रूम में गद्दा लगा के सो रहे हैं, टेबल पर 8-10 लोग बैठे हैं, उस पर कहीं हम दो भी बैठे हुए हैं, तो नो स्पेशल ट्रीटमेंट। लोग घर में वैसे भी रहते, वेरी कलेक्टिव हाउस। अच्छा दीदी, कैसा लगता था वो बच्चों को जो आज हम पैम्पर करते हैं, हर चीज़ उनकी सेपरेट रखते हैं, उनका टॉवेल अलग है, उनका कमरा अलग है, उनका बिस्तरा अलग है, कोई एक दूसरे की चीज़ को टच नहीं कर सकता, वो जो बच्चों को आज हम डेवलप कर रहे हैं जिस तरीके से, उस कल्चर को और वो कल्चर जो आपने एक जिया, कहने को आप एक IAS अफसर की बेटी थे, शुमाता जी का कद बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, और उतना कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि डिवाइडिंग लाइन अगर हम इरेज कर देते हैं 5 मई की 1970 की, तो सब कुछ एक जैसा था, कुछ भी परिवर्तित नहीं था, कुछ भी बदला ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उतनी ही गतिशीलता के साथ पहले था जितना बाद में रहा। स्केल बढ़ गया, बस स्केल बढ़ गया उसका। कैसा लगता था कि आज जो हमारा हालात है इंसान के, जो बच्चों की पैम्परिंग है उसमें, और जिस दौर से आप गुजरे एक बेटी की तरह, क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? वो बहुत ज़रूरी है आज भी होना? एक्चुअली पैम्परिंग तो उस उन दिनों कल्चर ही में नहीं था कि बच्चों को पैम्पर, इट वाज इन वेरी बैड टेस्ट कोई बच्चे को पैम्पर करे तो मुंह पे तारीफ करना ही, तो आप भी जानते होंगे कि माँ बाप मुंह पे तो तारीफ नहीं करते हैं, और वो चीज़ थी ही नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाए। कभी कभार कहती थी हमारी साधना पढ़ने में तेज़ है, बाय द वे कहीं कभी सुना लिया, तो ज़्यादातर तो ये रहता था ठीक से खड़ी रहो, ठीक से पढ़ो, यू नो क्या कर रही हो, अटेंशन, यू नो इट वॉज मोर एंड हाउ यू लव एंड रिगार्ड अदर पीपल, इस पर बहुत जोर देती थी कि घर में 20 लोग भी आ जाएं लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट दम। ये नहीं कि साहब हमने रूम में अपने ताला घुमाए और बंद हो गए, अब कोई आ जो जाए हमसे, ये एक जो डिस्कनेक्ट आया है आजकल बच्चों में कि दे आर जस्ट नॉट कनेक्टेड, वो अपने कुकून में रह गए हैं। The society is to blame, the economy is to blame, the times have to be, the devices have to be blamed. So it is promoted huge individualism. ये चीज़ हम लोग इंडिविजुअल थे ही नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल। हम लोग किसी की बेटी थी, किसी की भतीजी थी, सबसे डांट खाते थे और सबको हक सबका था हम लोग पर। यह हम लोग बड़ी ग्रेट चीज़ थी, दिस जॉइंट फैमिली सिस्टम जो भी है, या इज्जत की जो कल्चर है हम लोगों का, जो माँ ने बहुत एम्फोसाइज किया। बाकी जो है जब सहयोगी बढ़े तो उन्होंने सबको अपनी बेटी और बेटों की तरह ट्रीट किया, और वही उन्होंने वैल्यूज उनको भी सिखाई। मुझे याद है जैसे लड़कियां यहाँ से शादी होकर विदेश जाती थी सहयोगी नहीं, तो उनको ये बताया जाता था कि मराठी में कहते आता तुम ही नांदा, विच मीन्स अब आप लोग वहाँ सेटल करिए। तो एंड दैट इज व्हाई शी वाज प्रमोटिंग दीज इंटर नेशनल मैरिजेस, बिकॉज शी वांटेड टू गेट द बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन द वेस्ट एंड टू गेट अ सर्टन अमाउंट ऑफ क्या कहा जाए उसका फ्यूजन ऑफ दैट वेस्ट। बिकॉज वेस्ट में क्या था कि जब वो लोग सहयोग करते थे तो लोग बिल्कुल सब छोड़ के सहयोग, देयर वाज नो लिंक फ्रॉम द बैक, क्योंकि वो पीछे उनके बहुत बैगेज होता था, जो लोग एकदम उसको क्या कहते हैं सेवरेंस होती थी, वो उसको काट देते थे, तो वो बिल्कुल अपना नाम बदल के एक नई जिंदगी बना देते थे, एक प्रकार का संन्यास हो जाता था। उसमें एक इंडियन वाइफ आती थी तो उसको वो होल सोल एक्सेप्ट करते, उसमें ये नहीं कि सुंदर है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं, क्या है,
शी इज़ माई सहज कंपेनियन, और हम लोग मैरिड हुए हैं फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन. माता जी ओवर सॉ दैट कि उसी तरह होना चाहिए कि वाइब्रेशनल लेवल पे दोनों लिंक हो, बट उसमें रोल ऑफ इंडियन कल्चर इन इंडिया धर्मा यूज टू डोमिनेट. ये मैं ज़रूर कहूँगी कि शी मेड इट क्लियर कि इफ़ यू आर अ सहज योगी यू हैव टू अडॉप्ट इंडियन धर्मा, इंडियन वैल्यूज, और इंडियन नॉट सो बिकॉज इट इज़ इंडियन, बट बिकॉज शी सेड दीज आर वैलिड वैल्यूज, दीज आर करेक्ट, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. कहीं ना कहीं हम एक वो स्वप्न जो देखा गया था वासुदेव कुटुंबकम, शायद माता जी ने वो पूरा कर दिया, बिल्कुल कर दिया, सजीव कर दिया. जो एक स्वप्न था कि पूरी दुनिया एक परिवार है, एक कुटुंब है, तो वो कुटुंब आज सहज योग में देखने को मिलता है. और जहाँ तक हम सही हैं, सहज योग एक ऐसी आप कह सकते हैं विधि है, ऐसी शक्ति है जो इंसान को अंदर से परिवर्तित करती है. कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, मोर ओवर कोई मेंबरशिप नहीं है. लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर बात है कि जो इसमें उतर गया वो या तो इसका हो जाता है, और अगर वो इसका नहीं हो पाता तो वो अपने आप बाहर का रास्ता ढूंढ लेता है. कोई किसी को बताने वाला नहीं है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना. संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कृति, सभ्यता, उसका महत्व, शायद साधना दीदी से हम बातचीत कर रहे हैं आपको बहुत कुछ क्लियर होता जा रहा होगा. 5 मई 1970 जब सहज योग का प्रादुर्भाव हुआ, जब सहज योग की शुरुआत हुई, सहज योग शायद माता जी ने उससे बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था. वो सिर्फ एक आधिकारिक घोषणा थी कि आप इस तरीके से परमात्मा से जुड़ करके ज़िंदगी गुजारो, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस जुड़ने के साथ जो हमारे मूल्य हैं उनसे जुड़ना कितना ज़रूरी है वो उन्होंने प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ करके दिखाया. आज किसी भी धर्म को हम मान लें, शायद कहना तो नहीं चाहिए, बट किसी भी धर्म का पाश अंकुश नहीं है हमारे ऊपर कि हम सत्य पे ही चलेंगे, हम अधर्म नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे. कहीं ना कहीं वो सारे मूल्य बचपने से उन्होंने अपने परिवार में दिए, अपने समाज में दिए, और शायद वही समाज मेरे ख्याल से दीदी आज वो पूरा विस्तृत हो गया. विस्तृत रूप पे अगर हम देखें तो वो आज समाज 195 देशों में फैल चुका है, वो संस्कार फैल चुके हैं. कोई किसी को बताता नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो जो प्यार जो होता है ना माँ बाप के प्रति, जब हम ये जानते हैं कि हम अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं और हमारे माँ बाप हमको हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम चाह करके भी गलत नहीं कर पाते. ये सच्चाई रही है शमाता जी की, परिवार के साथ भी यही रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों का घर परिवार का अटैचमेंट शमाता जी के साथ, वो एक अनस्पोकन लव और एक उस प्यार के साथ एक डर कि अगर हम ये गलत करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी. बिल्कुल, वो तो दैट वाज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड. गलत का कोई स्कोप नहीं था वहाँ, गलत आप क्या करिएगा. और ये कहीं तो भी विवेक, मैं सोचती हूँ कि आदमी गलत क्यों करता है, क्यों आदमी गलत चॉइस, क्योंकि कहीं तो भी आदमी खाली है, अब परिपूर्ण नहीं, देयर इज सम वेकेंसी, तो उसको भरने के लिए आदमी तरह तरह की गलतियाँ करता है. बट इफ़ यू आर फुलफिल्ड फ्रॉम विद इन, वो समाधान जब आ जाता है तब आप गलती करने वाले हैं, यू विल नॉट बी अट्रैक्टिव टू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज यू आर सो फुलफिल्ड. शी क्रिएटेड दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हम लोगों को एज चिल्ड्रन, बिकॉज शी वॉज डायरेक्टली आवर मदर, तो उन्होंने तरह तरह से हम लोगों को फुलफिल किया. बट टू आर सहज चिल्ड्रन शी मेड हर, आफ्टर गिविंग देम सेल्फ रियलाइजेशन, शी मेड हर कम्युनिकेशन विद देम सो स्ट्रॉन्ग, एंड शी मेड हर सेल्फ सो एक्सेसिबल टू एवरीबडी कि वो जो परिपूर्णता उनकी लाइफ में थी वो उन्होंने ला दी. सो इट वॉज अ वेरी रियल एवोल्यूशन, रियल चेंज. उसके बाद अब आश्चर्य लगता है कि अब तो देखते ही होंगे कि इटली में लोग आरती गा रहे हैं ज़बरदस्त, किस तरह से लोग, हाउ टू एक्सेप्ट. आजकल इफ़ यू मूव आउट ऑफ सहज एंड यू गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, किसी को नई चीज़ आप सिखाइए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी को कोई बात नहीं सुनता है. ये लोग इतने उत्साह से इंडियन ट्रेडिशंस को और इंडियन वैल्यूज़ को, यहाँ तक कि जैसे माँ सिखाती थी कोई चीज़ आप किसी को दीजिए ऐसे हाथ करके दीजिए,
फॉरेन जितने इंटरनेशनल योगी हैं वो सब सीख गए हैं, तो जब भी कुछ देंगे ऐसे हाथ करके देंगे, एक हाथ से, एक हाथ से नहीं देंगे, ऐसे हाथ पकड़ के देते हैं। हमारे देश में शायद जनता भूल रही है लेकिन सहयोगी नहीं भूलते, वो लोग उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, मर्यादाएं क्या होती हैं, कैसे खाना खाया जाता है, उससे छोटी छोटी बातें लेके, लेकिन ऑल द ब्यूटी ऑफ जो हमारी सभ्यता की है वो सब उसमें आ गई है, बिकॉज दे हैव फ्रॉम विदिन एक्सेप्टेड, दे हैव फेल्ट द फुलफिलमेंट, दे हैव फेल्ट द जॉय, दे हैव अंडरस्टूड। और वहाँ एट दैट लेवल मदर का ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि शी हैज़ एक्चुअली ब्रॉट अबाउट द यूनिटी ऑफ द सोल, क्योंकि वो जब सोल की एकता आती है, हमें किसी के साथ कम्युनिकेट, व्हेन योर सोल यूनाइट्स एंड एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, फिर बहुत चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप यू नो। शुरू शुरू में जब पूजा होती होगी और आप श्री माता जी को, आपके लिए वो माँ थे जिनकी गोद में आप खेले, जिनसे आपने सब कुछ सीखा, क्योंकि फर्स्ट टीचर इज़ मदर, उनकी पूजा हो रही होगी, उनको दुनिया एक अलग आयाम पर उनके दर्शन कर रही थी, आपके लिए कितना मुश्किल था उसको स्वीकार करना, तो प्रश्न ही नहीं उठता, उसको समझ पाना कितना मुश्किल था। बिल्कुल सही, वेरी करेक्ट वर्ड्स यू हैव यूज्ड, क्योंकि स्वीकार करना, समझ पाना, तो एक्चुअली माँ के लिए हर बच्चा पजेसिव होता है, तो हम लोग जैसे जो बच्चा माँ की गोद में बैठने में, तो माँ की गोद में बहुत कूद के बैठ जाती थी, इवन आफ्टर आई वॉज वेरी ग्रोन अप, ये काम मैंने किया है जी। हाँ, बहुत फिजिकल उनसे कूद फांद कुश्ती सब करते थे, उस माँ को फिर देखना कि अच्छा दूर बैठे हैं। जहाँ तक कि पूजा की बात है विवेक, एक मैं आपसे बात कहूँगी कि माँ ने मुझसे कहा कि देखो जब तक कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता पूजा का कोई मतलब नहीं है। तो एक दफ़ा वो आई थी मेरे ससुराल, तो हमने जैसे कहते ना इन औपचारिक रूप से एक वो बनाते नहीं ऑल्टर, तो उसमें विष्णु जी की मूर्ति थी ये वो, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बटोर दिया, उन्होंने कहा जिसको तुम अभी एक तरफ कर दो, जब तक कि दिस हैज़ नो मीनिंग, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं सप्तशती का पाठ, ये सब इट वॉज गुड इन्फॉर्मेशन टू डू एंड आई स्टिल अंडरस्टैंड नाउ वॉट इट्स ऑल अबाउट, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कि वो कनेक्ट नहीं आता तब तक पूजा का कोई मीनिंग ही नहीं है। दैट शी मेड मी अंडरस्टैंड वेरी अर्लियर ऑन। तो जब मैं देखती थी माँ को एट वन लेवल, एट अ मेंटल लेवल, यू से अरे ये तो माँ बैठी हुई है, उनकी पूजा हो रही है, लोग पाँव स्वस्तिक बना रहे हैं, उनकी आरती हो रही है, एट वन लेवल, बट दैट वॉज माई बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड गुड लक आई वुड से, कि कहीं तो भी ये भी समझ में आएगा कि पूजा एक्चुअली का अर्थ क्या होता है, आप किसी चीज़ की पूजा क्यों करते हो। जब एज वी हैड टॉक्ड अर्लियर कि अगर आपको इसमें ईश्वर दिख रहा है तभी ना आप पूजा करोगे, बल्कि जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद की, अगर आप पढ़िए, ये भी बात श्रीमाती जी से हुई मेरी कि अम्मा जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, व्हेन आई रेड इट आफ्टर आई सेड कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ समबडी हु इज सीइंग गॉड इन एवरीथिंग। वेस्टर्न स्कॉलर्स हिंदुइज्म को एक लेबल देते हैं हिनोथीज़म, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड हुड्स, तो हम लोग इंद्र रुद्र वरुण जो हैं, जहाँ तहाँ सूरज भी देवता है, वो भी मिलियन गॉड का, हिंदुइज्म मीन्स 30,000 गॉड्स। तो मैंने उस वक्त ये हिनोथीज़म की बात वहाँ से की, वहाँ इसको क्योंकि इट्स अ वेस्टर्न स्कॉलर तो एक वेस्टर्न लेबल उसको दे रहा है, पर हम लोग जो जो भारतीय हैं, जो हम लोगों के द पीपल हु क्रिएटेड द वेदास, दे वर वर्शिपिंग देम बिकॉज दे वर सीइंग गॉड इन एवरीथिंग। And then she said, yes, that is only after self-realization can you see divinity in everything. और जब आप जब कहते हैं हर चीज़ में तू ही तू देखते हैं, तो हर चीज़ divine हो ही जाती है। That is the point when you realize what is the process of puja. कि जब आप उसको जब भगवान को देखते हैं आप पूजेंगे नहीं क्या, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से you will fall at the feet of God and say, I see the beautiful goddess before me and I'm worshipping her. That is the real puja. But unless and until you see the goddess, your puja or whatever you're doing has no meaning. So this is the fact of the puja. कि अगर कोई उस तरह से एनालाइज करे कि oh that's your mummy, yes she's my mummy. तो बैठ के अगर आप कहें कि मैंने उनकी आरती कभी उतारी, आरती में ज्वाइन किया होगा ज़रूर, और मुस्कुराते हुए देखती थी मुझे, लेकिन वो जो आदान प्रदान होना चाहिए ना बिटवीन अस, that is at a completely different level, because in my case, or I would say in everybody's case, but I, because I can only talk about myself, she was reading me all the time, she was reading my thoughts, she knew what I was doing, she what I was saying. ऐसे ऐसे incidents हुए हैं कि मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं। Absolute miracles, वो मैं आपसे क्या बताऊँ।
तो वो चीज़ें जो हैं दैट गिव्स यू सच ए डीपर डायमेंशन टू ऑल दिस, कि ये सारी बातें फिर मैं किसको वर्शिप करती हूँ, मैं किसके सामने बैठी हूँ, मेरे घर में समाज कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें देन दे बिकम अ लिटिल बिट खत्म हो जाती हैं, गौड़ हो जाती हैं, जिसको कोई महत्व नहीं रहता। दीदी एक बात बताइए, पजेसिवनेस नहीं आती थी कि मेरी मम्मा को सब बैठे पूजा कर रहे हैं और मैं अलग सोफे पे बैठी हूँ? नहीं, उस वक्त तक क्या हुआ था कि चूंकि शादी हो गई थी और मेरे गोद में दो बच्चे थे, अब उस वक्त एक माँ की ही कृपा थी आई वुड से कि इवन व्हेन आई वाज 20-21 आई वाज ऑलरेडी रीडिंग इंडियन फिलोसफी, आई डिड अ मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कल्चर, बल्कि माँ ने एक बार मैं नोटबुक देखी, कह रही ध्यान धारणा सब पढ़ रही, बिकॉज सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी जो हम लोग के सांख्य पे मैंने थीसिस किया था एट द एज ऑफ 20, तो कुछ एट द मेंटल लेवल ऑल्सो आई वॉज अवेयर ऑफ देर इज़ अनदर डायमेंशन टू योर कॉन्शियसनेस, ये मुझे पता था। एंड आई सपोज श्री माता जी ऑल्सो गेव अस दैट लिंक एट द सबकॉन्शियस लेवल ऑल्सो कि यू नो यू एंड आई आर वन। अभी तो मुझे लगता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, देर इज़ ओनली श्री माता जी, There's nothing, you know. ठीक है, शरीर है ये, जब तक है चल रहा है, उसके बाद खत्म। क्योंकि श्री माता जी ने परिवार को सहयोगी के साथ लिंक नहीं करा। अगर इनिशियल स्टेजेस पे देखा जाए, श्री माता जी ने दोनों ही बातें बोली कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिस्कार्डेड बिकॉज ही और शी इज़ अ फैमिली मेम्बर, नाइदर ही और शी कैन बी प्रिविलेज बिकॉज ही और शी इज़ अ फैमिली मेम्बर। तो श्री माता जी का बहुत क्लियर वर्जन था, ना तो हम किसी को इस आधार पे हटा सकते हैं कि वो पारिवारिक हिस्सा है, ना ही इस बात को उसको एक तरजीह दे सकते हैं कि वो पारिवारिक हिस्सा है। और वो कैसे, इफ यू एलैबोरेट ऑन दैट, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि आप उस तरह से मत हीरो वर्शिप करिए किसी को सिर्फ इसलिए कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है, और उसको उस तरह से निग्लेक्ट भी मत करिए क्योंकि वो सहयोगी आपको नहीं दिख रहा है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब उसमें हम लोगों का भी बड़ा एक उत्तरदायित्व आ जाता है, श्री माता जी जो कह गई सुन गई जो समझ गई ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या रोल है, वॉट शुड बी आवर रोल एज ऑल्सो फैमिली मेम्बर्स? बट विवेक, वी कैन नॉट हैव रूल्स फॉर एवरीबडी, सब एक प्रत्येक की बात है। जो मेरा नज़रिया है वो एक्स और वाई, बेटी है बेटा है पति है, सबका अपना, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ वन टू वन। जो आपका रिलेशन श्री माता जी के साथ है वो यूनिक है, उसी तरह जैसे आपका है यूनिक है वैसे मेरा भी है, एंड द डायमेंशन ऑफ विच आई कैन नॉट फुल्ली एनकम्पस इन वर्ड्स, क्योंकि माँ का जो रिश्ता है वो मदर मदर नहीं, वो डीप रिश्ता जो है वो इट इज़ एट दैट कॉस्मिक लेवल, तो वो चीज़ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज़ बियॉन्ड थाट, बियॉन्ड कंट्रोल, बियॉन्ड डेफिनेशन, वो सब कुछ है महसूस करने वाली बात है। आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ इट नाउ, लेट अस से एट द एज ऑफ 67 I am totally conscious of that connection with her. अब उसमें मैं कौन सा लेबल लेके चल रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कि ये सब चीज़ें फिर कितनी सेकेंडरी हो जाती, कोई मायने नहीं रखती, इनका महत्व ही नहीं रह जाता इन चीज़ों का। दर्शकों, साधना दीदी के साथ ये बातचीत चलती रहेगी, ये एक ऐसा सिलसिला है जो शुरू तो हो गया है, और हम उस खुदा से उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये सिलसिला बंद ना हो, क्योंकि इस सिलसिले में हमें और आपको कुछ सीखने और सिखाने का नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो अपने आप उतरता चला जाएगा। कुछ चीज़ें जो अपने आप हो जाती हैं वो सबसे सुंदर होती हैं, हमारी सांसें चल रही हैं हम सोच नहीं रहे, हृदय स्पंदित हो रहा है हम सोच नहीं रहे। इसी तरीके से श्री माता जी क्या थे, ये तो शायद युग लग जाएंगे जानने में, समझ तो पाएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं पाएंगे, लेकिन श्री माता जी हमें देने क्या आए थे, समाज को क्या देने आए थे, और वो बहुत सारे अनछुए अनटच्ड पहलू, दोज स्टोरीज विच आर स्टिल अनटोल्ड, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज स्टोरीज फॉर यू, वी विल ट्राई टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू विथ कंप्लीट ऑनेस्टी, विदाउट एनी फैब्रिकेशन, विदाउट मोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग द थिंग्स। धर्म को घुमाया नहीं जा सकता, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करा जा सकता, वो जो है वो है, परमात्मा जो है वो है, उसको हम समझ नहीं सकते, उसको हम समझा नहीं सकते। जिस प्रकार दो इंसानों की हाथों की उंगलियां नहीं मिलती, उसी प्रकार दो व्यक्तियों के परमात्मा के प्रति विचार भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते, हर किसी के लिए वो अलग है, हर किसी के लिए जो साधना दीदी ने बोला वो यूनिक है, उस यूनिक में
हम आपके लिए और क्या ऐड कर सकते हैं। ये सिलसिला हम साधना दीदी के साथ या बहुत सारे ऐसे रिश्ते, वो करीबी नाते जो श्री माता जी ने अपने जीवन काल में निभाए हैं, हमारा प्रयास रहेगा और हम बातें उनसे जानते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। इस सिलसिले को आज हम यहाँ पर सिर्फ रोक रहे हैं, जल्दी ही दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साधना दीदी, आपने हमारे लिए, दर्शकों के लिए और उससे भी बड़ी बात, पूरी दुनिया के लिए आपने ये जो योगदान देने का सिलसिला शुरू करा है, इसमें हमें पता है आपको कई बार बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कभी आपके पास टाइम होगा नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी आपके हृदय से आभारी हैं कि आप पूरे हृदय से इस चीज़ के लिए समय निकाल रही हैं। और जो स्वप्न हमने देखा है कि पूरी दुनिया सिर्फ माता जी को बाहर से ही नहीं अंदर से भी जा रहे हैं, वो कहानियाँ, वो किस्से हम आपके साथ बांटते रहेंगे सबके लिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जल्द ही आपसे दोबारा।